हेलो YouTube, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मैनिफेस्टेशन टूल यूज कर सकते हो, एब्राहम हिक्स के मैनिफेस्टेशन टूल यूज कर सकते हो इन मैनिफेस्टिंग वट एवर यू डिजायर. जो आपके डिजायर्स है, डीपेस्ट डिजायर्स हैं, वो सारे पूरे हो सकते हैं. चार स्टेप प्रोसेस है, उसको मैं ढंग से समझाऊंगा. फर्स्ट है आस्क, देन है गिवन, थर्ड है SRM और फोर्थ है SRM. अब मैं इसको ढंग से समझाऊंगा. पहला स्टेप ये है कि आप आस्क करो जो आपकी लाइफ में जो जो आपके डिजायर्स रोज रोज उठते हैं. जैसे आप मानिए, आप आज सुबह उठे, आप चाहते हो कि आज के टाइम में आपको आपका बॉस फोन करके बोले कि आज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे ये बोलेंगे कि आज स्कूल कैंसिल हो गया, आज ट्यूशन कैंसिल हो गया, या फिर आप ये सोचते हो कि आज मैं उस लड़की से जाके बात करूंगा, या वो लड़की मेरे से आके बात करेगी, या वो लड़का मेरे से आके बात करेगा. ऐसे करके आप एक थॉट डालते हो. वो थॉट हमेशा कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, हमेशा आप थॉट डालते रहते हो यूनिवर्स में. अब ये जो मैंने थॉट्स बताई, ये सारी पॉजिटिव थॉट्स थी, और ऐसे करके नेगेटिव थॉट्स भी होती हैं. ये भी बोल सकते हो कि आज मैं ऑफिस पहुंचूंगा तो मेरे पर शायद मेरा बॉस चिल्लाएगा क्योंकि मैंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी फ्राइडे को वो करेक्ट नहीं थी, या वो मैंने टाइम पे सबमिट नहीं की. तो वो आप एक नेगेटिव थॉट डाल रहे हो यूनिवर्स में. उससे क्या है, आपके पास वो नेगेटिव थॉट्स आएगी और आती रहेगी, और उससे मैनिफेस्टेशन पूरी होगी. तो ये था पहला प्रोसेस. आप आस्क करते हो, आपका जो ह्यूमन माइंड है हमेशा चलता रहता है, हमेशा उसको और चाहिए लाइफ में, और थॉट्स चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको पूरा करता रहता है. आस्किंग प्रोसेस कभी रुकता नहीं है. सेकंड प्रोसेस, ये आपका काम नहीं है. जो गिवन पार्ट है वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स ऊपर वाले का काम है. जो थॉट मानते हो आप, वो तुरंत पूरी हो जाती है, 100% वो पूरी हो जाती है. अब मैं समझाता हूं कैसे पूरी नहीं होती. कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं तो कब से सोच रहा हूं मेरी लाइफ में वो लवर आए, मेरी लाइफ में वो पैसा आए, मेरी लाइफ में वो कार आए, मेरी लाइफ में वो प्रमोशन आए, मेरी लाइफ में वो डिजायर्ड वेट आए, डिजायर्ड फिटनेस आए, वो क्यों नहीं आ रही मेरी लाइफ में. तो उसका एक रीजन ये है. अब ये जो टॉपिक है इसको हम यहां पर थोड़ा होल्ड करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, ताकि मैं ये समझा पाऊं आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा. तो ये समझिए, आज के टाइम पे जो सारी चीजें हैं वो एनर्जी है, एक कॉन्शियसनेस है. जो जो चल रहा है आपकी लाइफ में, जो जो चीज है, जो जो ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट्स एक तरीके से एनर्जी है, वाइब्रेशन है. वो वाइब्रेशन एक तरीके से स्लो हो जाती है. वो वाइब्रेशन जब स्लो हो जाती है तो वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट बन जाता है. एक मटेरियल ऑब्जेक्ट बन जाता है तो एक तरीके से ये एक वाइब्रेशन है, पर वो एक तरीके से इसने आपको इतना स्लो कर दिया उस वाइब्रेशन को कि वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है. जो मैटर है वो उसने अपने आपको इतना स्लो कर दिया है कि वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है. अब ऐसे करके बहुत सारी चीजें वाइब्रेशन होती है जो नॉन फिजिकल होती है. अब वो नॉन फिजिकल चीजें कौन सी हुई? एक तो आपका सोल, वो नॉन फिजिकल है, किसी ने देखा है नहीं आज तक सोल को, वो रहता कहां है बॉडी में किसी को कोई आइडिया नहीं है. मनी, मनी आप पैसे तो देखते ही होंगे, नोट वगैरह, पर वो एक तरीके से नॉन वाइब्रेशनल चीज है, नॉन फिजिकल चीज है. तो ऐसे करके काफी सारी चीजें नॉन फिजिकल होती है जो एक तरीके से एक वाइब्रेशन है. तो आपकी जो थॉट्स है उस पर हम फोकस करते हैं. आपकी जो थॉट्स है वो भी एक तरीके से एक नॉन फिजिकल वाइब्रेशनल चीज है. आप उसको थॉट्स को देख तो नहीं सकते, बट वो एक तरीके से वाइब्रेशन है. अब वो किस तरीके का वाइब्रेशन है? वो बहुत फास्ट वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन है. अब ये जो थॉट्स आप डालते हो यूनिवर्स में, वो यूनिवर्स उसको पूरा करता है. आपका मान लो ये ब्रेन है, ब्रेन ने एक वाइब्रेशन भेजा. आपका ये ब्रेन है,
या माइंड, उसने वाइब्रेशन भेजा, यूनिवर्स ने वापस रिटर्न किया आपको वाइब्रेशन. ये की एस्पेक्ट है, आपको वाइब्रेशन वापस किया यूनिवर्स ने, और आपका काम ये है इस वाइब्रेशन को आप कन्वर्ट करो. और कन्वर्जन कैसे होता है, आपको उस वाइब्रेशन को स्लो डाउन करना है, या ये भी बोल सकते हैं आपको इस वाइब्रेशन की इक्वल लाना है. तो ये आपका ब्रेन है, आपने वाइब्रेशन दिया, आपने आस्क प्रोसेस किया, यूनिवर्स ने आपको रिसीव या गिवन प्रोसेस आपको वापस दिया. अब आपका काम क्या है, आरएम में आना, विच मींस रिसीविंग मोड. रिसीविंग मोड, रिसीविंग मोड क्या होता है, आपको एक अपने जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो माइंड है, आपका जो मूड है, आपका जो एलिवेशन है, वो हाई लेके आना है. वो जो आपकी, आपको जो गॉड ने गिफ्ट दिया है अपने आप को एक अच्छे मूड में लाने के लिए, एक हैप्पी मूड में लाने के लिए, एक अप्रिसिएशन मूड में लाने के लिए, वो करना है. इसलिए काफी सारी जो विजुअलाइजेशन वीडियो देखे हैं आपने ऑनलाइन, वो आपको बोलते हैं इंक्रीज योर वाइब्रेशन, इंक्रीज योर वाइब्रेशन. ये होता है, इसका मतलब यह है, इंक्रीज योर वाइब्रेशन का मतलब यह है कि आप अपने जो अंदर जो इमोशंस हैं वो बाहर लेके आइए. इमोशन क्या है, इमोशन कुछ नहीं है, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन मोशन. तो एनर्जी इन मोशन, एनर्जी का दूसरा नाम क्या मैंने बताया, वाइब्रेशन. तो उस वाइब्रेशन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने इमोशंस को जगा के. अब इमोशंस कौन से वाले, इमोशंस में भी बहुत तरीके के, एक पर मेरे को ये इरेज करने दीजिए. इमोशंस में भी बहुत तरीके के वाइब्रेशंस आते हैं. अब ये जो इमोशनल स्केल है, एक ये मान लीजिए टॉप पे आता है अप्रिसिएशन, 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 हैप्पी, जॉय. अप्रिसिएशन का मतलब हैप्पी होना, अप्रिसिएशन का मतलब थैंकफुल होना. आपको इस यूनिवर्स ने, आपको इस गॉड ने, आपके परिवार ने, आपके स्कूल ने, आपके मॉम डैड ने, आपके नेशन ने बहुत सारी चीजें दी हैं. जो जो चीजें हमारी लाइफ में आजकल फ्री हैं, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं. मानिए जो सूरज हमको आता है, रोज सुबह आता है, ये नहीं बोलता कि अच्छा सूरज आज मैं नहीं आ सकता, वो हर रोज आता है सूरज. जो आपके जो घास उगती है बाहर, जो पेड़ उगते हैं, ये नहीं बोलते कि आज मैं नहीं उग सकता, वो रोज उगते हैं, वो हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं. तो उनके लिए आपको एक तरीके से अप्रिसिएशन देना है, आपको थैंकफुल होना है कि आपका वो काम बहुत इजी कर रहे हैं. जो जो लाइफ में आपको चीजें मिल रही हैं वो इजी कर रहे हैं. वैसे ही आपकी लाइफ में जो पार्टनर्स हैं आपके, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं आपके लिए. कितनी बार आपने उनको जाके बोला है, दोस्त थैंक यू तूने मेरी हेल्प की, कितनी बार बोला है. और वो बोलते हैं यार थैंक यू मत बोल, दोस्त नहीं है क्या. बट आपको थैंकफुल होना जरूरी है. चाहे आप उनको फेस पे जाके नहीं बोलो, मन में आंखें बंद करके बोलो कि यार उस दोस्त ने मेरे को उस टाइम पे मेहनत में मेरे को हेल्प की थी, मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूं. तो एक तरीके से इस मोड में आते हो तो इससे अच्छा कोई मोड है ही नहीं. अगर आप थैंकफुल हो सकते हो किसी भी चीज के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए, ब्लैंकेट है आपको सर्दी में, ब्लैंकेट काम आती है, ब्लैंक जिसने ब्लैंकेट बनाई उसके लिए थैंकफुल हो आप. अगर इस मोड में आते हो, मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी है, काफी सारे ऑथर्स की बुक्स पढ़ी है, काफी सारी लिटरेचर पढ़ी है, सबसे कॉमन चीज यही है अप्रिसिएशन. अगर आप ये अप्रिसिएशन मोड में आते हो, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितना जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है. दूसरा है हैप्पी मोड, आप खुश हो. जैसे मानिए आपको गिटार बनाने में खुशी होती है, मेरे को ये वीडियोस बनाने में खुशी होती है, कोई देखे ना देखे मेरे को खुशी होती है कि कम से कम एक पर्सन तो देख रहा है, कम से कम जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर कर पा रहा हूं, तो मेरे को उससे खुशी होती है. तो मैं जितना ये वीडियो बना सकता हूं उतनी मेरे को खुशी होती है. तो ये एक तरीके से जो आपको चीजें अच्छी लगती है वो और करिए, हैप्पी और जॉय एक ही चीज हो गई, वो कोशिश कीजिए. तो ये एक स्केल है, इमोशन स्केल है. अब इमोशन स्केल पे नीचे भी जा सकते हैं, नीचे हुआ
आपका हुआ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक तरीके से, चलो मैं ऑप्टिमिस्टिक एक तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रखना, बिल्कुल फुल 100% पॉजिटिव थिंकिंग मत रखना, बट एक तरीके से ये सोचना कि शायद इंडिया ये मैच जीत जाएगा, इंडिया ये मैच जीतेगा, एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक। तो अप्रिसिएशन और हैप्पी फीलिंग से थोड़ा कम जो मानते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। कभी कभी हम बहुत ही बुरे मूड में होते हैं, तो उस बुरे मूड में आप तुरंत ऊपर नहीं आ सकते, ऑटोमेटिकली आप ऊपर नहीं आ सकते इमोशन स्केल में, आपको धीरे धीरे करना पड़ता है। तो ऑप्टिमिस्टिक के बाद आता है नेगेटिव या पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक, और उसके बाद और बहुत सारी चीजें आती है, हेट, एंगर। लास्ट जो आता है स्केल में वो आता है हेल्पलेसनेस। ऐसे करके बहुत सारे इमोशंस जो मैंने लिस्ट नहीं किए हैं, अगर आपको चाहिए मैं उस पर ढंग का एक वीडियो बना सकता हूं और ये भी बता सकता हूं कि कैसे कैसे आप ऊपर एक एक स्केल करके ऊपर बढ़िए, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूं। लास्ट ये है होपलेसनेस। होपलेसनेस तब आती है जब आप ये सोचते हो कि मैं अपनी आदतों से मजबूर हूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर ये थॉट किसी ह्यूमन माइंड में आती है तो उससे आगे आना बहुत मुश्किल है। इसलिए काफी सारे लोग जो ड्रग्स से एडिक्टेड हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते इतनी इजिली, क्योंकि वो इस स्केल में फेल है। बट जो यूनिवर्स है वो बहुत ही मर्सीफुल है, वो बहुत ही मर्सीफुल तो खैर गलत वर्ड है, एक तरीके से बहुत ही सपोर्टिव है आपके लिए। जो यूनिवर्स है आपको चाहता है कि आप ऊपर बढ़े, गॉड के क्लोज आए, तो वो हमेशा आपको एक ऑप्शन देता है, होपलेसनेस से एंगर पे आओ, एंगर से ब्लेम पे आओ, ब्लेम से हेट पे आओ, हेट से फिर नेगेटिव पे आओ, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, और फिर उसके बाद अप्रिसिएशन आओ। धीरे धीरे करके आपको ऑप्शन देता है, चाहे तुरंत ही ना दे, आप शायद होपलेस से सीधा अप्रिसिएशन नहीं आ पाओगे, पर तो धीरे धीरे करके आप ऊपर पढ़ सकते हो। खैर ये था एक इमोशनल स्केल। अगर आप इस इमोशनल स्केल पे ज्यादातर हैंग आउट करोगे, ज्यादातर अगर आप डटे रहोगे इस स्केल पे, अगर 10 मिनट सुबह अगर आप हाथ जोड़कर भगवान की पूजा ना करके अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की थैंकफुल हो या भगवान को थैंकफुल हो, बट ये मत बोलिए कि भगवान प्लीज मेरे लाइफ में ये लेके आ जाओ। भगवान को आपकी भीख नहीं चाहिए ना, वो भीख से आपको वो चीज मिलेगी, आपको जो आप गिड़गिड़ाते हो भगवान के सामने या गॉड के सामने या यूनिवर्स के सामने, आपको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि नेगेटिव चीज ही मिलेगी। मैं जानता हूं ये थोड़े हार्श वर्ड्स हैं, बट ये जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कोई कई सारे लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान मेरे एग्जाम में मेरे को ये पास करवा दो। क्या वाइब्रेशन दे रहे हो आप अपनी होपलेसनेस वाइब्रेशन दे रहे हो कि मैं खुद तो पढ़ नहीं सकता, कि मैं खुद अपनी वाइब्रेशन तो इंक्रीज नहीं कर सकता, पर मैं ये चाहता हूं मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। तो ऐसे काम नहीं करता, सब कुछ वाइब्रेशन है। आपका जो ह्यूमन माइंड है वो वाइब्रेशन देता है, वो वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आती है। अब कई सारे टॉपिक्स हैं आपकी लाइफ में जो नहीं आ रहे, कई सारी चीजें हैं आपकी लाइफ में नहीं आ रही, जैसे मनी है। तो अगर आप ये सोचोगे मनी नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, या रिलेशनशिप, फिटनेस या हेल्थ, कार एंड अदर पर्सनल इफेक्ट्स आइटम, कुछ भी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में नहीं आ रही, अगर आप उनके ऊपर और फोकस करोगे तो और लैक क्रिएट कर रहे हो। पैसा नहीं है आपकी लाइफ में, ये सोच रहे हो पैसा नहीं है मेरी लाइफ में, भगवान प्लीज मेरी लाइफ में पैसा आ जाए, वाइब्रेशन योर यूनिवर्स मेरी लाइफ में प्लीज पैसा आ जाए, तो आप लैक क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में और थोड़ा कम पैसा क्रिएट कर रहे हो। तो उसका एक अलग तरीका ये है कि आप ये सोचिए कि जो मनी है, मनी अगर आपकी लाइफ में, मान लो आज के टाइम पे मनी जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए आपकी लाइफ में, या 50 लाख या 10 करोड़ चाहिए आपकी लाइफ में, वो 10 करोड़ लाइफ आपके आ गए, मान लो वो आपकी लाइफ में आ गए 10 करोड़, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी,
क्या आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, आप कंटेंट होंगे, आप रिलीफ्ड होंगे। तो इन इस पे फोकस ना करके इन फीलिंग्स पे फोकस कीजिए। आप एक तरीके से जो यूनिवर्स का जो प्रोसेस है वो ये चाहता है कि आप इन चीज पे फोकस कीजिए, ये चीज आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ पे। पर हर कोई उल्टा प्रोसेस पकड़ रहा है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी लाइफ में पैसे पहले आ जाएं और मैं खुश हो जाऊंगा। पर ऐसे काम नहीं करता, काम ऐसे करता है कि आप अपने इमोशंस पे फोकस कीजिए और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में वो रिलेशन आएगा, आपकी लाइफ में वो फिटनेस आएगी, आपकी लाइफ में हेल्थ आएगी, आपकी लाइफ में जो आप पार्टनर चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए आपकी लाइफ में आएगा। बट आपको उसके एसेंस, उसका रूट कॉज, आपका जो आपकी फीलिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन आने से आपकी जो एक तरीके से लोनलीनेस, अकेलापन कम हो जाएगा, तो अकेलेपन पे फोकस ना करके ये सोचिए कि मैं कितना थैंकफुल हूं कि मेरी लाइफ में इतने सारे दोस्त हैं, चाहे पार्टनर क्यों ना हो, हस्बैंड या वाइफ नहीं है, पर थैंक गॉड मेरी लाइफ में इतने सारे लोग हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, आज तक जिंदा हैं, मैं इतने साल का हूं पर वो जिंदा है, पर मेरे दोस्त की मॉम डैड काफी टाइम पहले गुजर चुके, बट उसके लिए मैं थैंकफुल हूं कि वो आज के टाइम पे हेल्दी है। तो आप क्या फोकस कर रहे हो, एक तरीके से आप रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो बट पर्सनल रिलेशनशिप पे जो आपकी जो हस्बैंड या वाइफ है उस पे ना फोकस करके अपने क्लोज वंस पे फोकस कर रहे हो। तो एक तरीके से आप पूछ को सांप को पूछ से पकड़ रहे हो। ऐसे करके फिटनेस भी यही बोल सकते हो कि मैं कितना थैंकफुल हूं कि मेरे पास हाथ पैर बाल मूछ जो चीजें हैं वो है मेरी लाइफ में। तो चाहे मैं मोटा ही हूं पर उसके बाद मैं उस फोकस कर रहा हूँ, थैंकफुल हूँ कि मेरे आसपास जिम है, मैं उन पर जा सकता हूँ, मैं मेरे पास पैसे हैं कि मैं जिम की मेंबरशिप पे खर्च कर सकता हूँ। एक तरीके से पॉजिटिव बनिए उन चीजों पे, उस चीज को अगर आप पॉजिटिवली अप्रोच करोगे तो देखना आप 10 times faster मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो खैर वापस इस टॉपिक पे आते हैं, अब्राहम हिक्स की जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये है आस्क, जो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन माइंड हमेशा करता रहता है, हर एक सेकंड करता रहता है, वो आस्क करता रहता है। जो आपका सोल है, आपका यूनिवर्स है, वो एक तरीके से उसको वाइब्रेशनली मिल जाता है, जो आपका सोल है उसको वाइब्रेशनली वो चीज मिल जाती है। अब आपका काम ये है उस वाइब्रेशन को कन्वर्ट करना, और वाइब्रेशन को कन्वर्ट कैसे करोगे आप, रिसीविंग मोड में आके। वो रिसीविंग मोड मैंने जैसे बताया, एसेंस पर फोकस कीजिए, इमोशन पर फोकस कीजिए। चौथा स्टेप यह है कि आप SRM में आए। SRM का मतलब आप हमेशा एक तरीके से रिसीविंग मोड में आए रहिए, ऑलवेज रिसीविंग मोड एक तरीके से। अब मेरे को एस आप याद नहीं है कि एस क्या स्टैंड करता है, बट हम ये मानते हैं एक तरीके से ARM, ऑलवेज रिसीविंग मोड। बात यह है कि आप मेडिटेशन करते हो, आप अच्छे मूड में आते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ऑफिस जाते वक्त आपको कोई गाली गलौज दे देता है, आपका मूड खराब हो जाता है। पर काम यह है, आपका काम यह है कि आप हमेशा एक अच्छे मूड में रहो। कोई कुछ कहे आपको, कोई कुछ कह दे, पर आप उससे अफेक्टेड नहीं हो, तो ऑलवेज रिसीविंग मोड में आए। जब ऑलवेज रिसीविंग मोड में आओगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन 10 times faster 20 times faster होगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैं पोस्ट करना चाहता था, क्योंकि किसी ने पोस्ट क्वेश्चन पूछा कि मैं कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाऊं, जल्दी मैनिफेस्ट कर पाऊं अपनी चीजों पे। जल्दी तो आपको चीजें मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, जो आपके थॉट से तुरंत मिल जाती है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप एक रिसीविंग मोड में आओ। वो रिसीविंग मोड कैसे आओगे, इमोशंस के थ्रू। इमोशंस का लेवरेज लो, आपको भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, उस इमोशंस को यूज करो। आंखें बंद करके ये सोचो कि आज अगर मेरे को यूनिवर्स, अब मेरे सोल का कॉल आया कि वो पूछता है क्या चाहिए तुमको लाइफ में बताओ, और उसको बोलो कि मेरे को मेरी लाइफ में रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, मेरे को मेरी लाइफ में स्लिम बॉडी चाहिए, उसको बोलो, और यूनिवर्स बोलता है कि आपको मिल चुका है वो सब चीजें, अब आपका काम ये है आप खुश रहो पूरे दिन,
फोन रख दो और पूरे दिन खुश रहो। ये विजुलाइज करोगे तो मैं बता रहा हूं, ये जो टेक्निक मैंने बताई उससे काफी सारे लोगों को इंप्रूवमेंट मिला है और मैंने भी यूज किया, बहुत अच्छा टूल है। तो इसको भी यूज कीजिए, इमोशंस को लेवरेज कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो प्लीज पूछिए, और कोई अगला वीडियो बनाना हो उसके लिए मेरे को प्लीज सजेशन दीजिए, मैं उस पर जरूर उस पर फोकस करूंगा। और आज इतना ही, कोई क्वेश्चंस है प्लीज पूछिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे कि कुछ लोगों को पता है मेरे चैनल पे, ये मैंने एक नया छोटा सा चैनल बनाया था अपनी जो मैंने चीजें सीखी उसको शेयर करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर पाऊं, क्योंकि मैंने जब अपने डैड को वीडियोस भेजने की कोशिश की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हिंदी में, तो मैंने देखा कि जो सारे वीडियोस हैं वो या तो गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या तो ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं होती, हार्डवर्क ही एक चीज होती है। तो मेरा जो दिमाग था वो खराब हो गया था। तब मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इतनी इतनी कॉमन चीज है हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, और उसको आज लोग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है और मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं ये शेयर कर पाऊं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।